बहुत दुख है हमें और बहुत कष्ट भी है। शायद ये बात योगी जी के पास जाए और मोदी जी के पास जाए कि हम लोग को भी सम्मानजनक वेतन दे और जीने का कुछ हम लोग का भी सहारा चाहिए। हमारे बच्चे सब भूखे मर रहे हैं, 10,000 में क्या होगा। सरकार से हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो हमारी मांगे हैं कम से कम 62 साल हमारी जो है सेवानिवृत्ति होनी चाहिए। अभी सरकार ने 60 साल का आदेश जारी किया है जो कि नहीं करना चाहिए, हम लोग 62 साल की मांग कर रहे हैं। दूसरी मांग हमारी है मानदेय कम से कम अन्य प्रदेशों में 35,000, कहीं 30,000, कहीं 28,000, कहीं 26,000, तो हम ये मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी 35,000 कम से कम होना चाहिए। कि आजकल की महंगाई को देखते हुए 10,000 रुपये में हम अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। सरकार से हमारा ये सम्मेलन है, एक कम्युनिकेशन है। सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें जिससे कि हमारी वर्तमान स्थिति में जो महंगाई है उसमें हमारे बच्चों का गुजारा हो सके, हमारे बूढ़े माँ बाप हैं उनकी दवाई का खर्चा चल सके और हमारा बुढ़ापा जी आगे के लिए सही कर सके। इसके पहले जो पूर्ववर्ती गवर्नमेंट थी उसने हमको समायोजन किया था जिसमें हमको 44,000 रुपया मानदेय मिलता था, आज हमको 10,000 मानदेय दिया जा रहा है। इतनी महंगाई में कैसे हम लोग अपना जीवन यापन करें। सरकार से हमारी मुख्यतः तीन मांगे हैं। पहली मांग हमारी सेवानिवृत्ति 62 साल होनी चाहिए, दूसरा मानदेय कम से कम 35,000 होना चाहिए, हमारा जो CL 11 दिया सरकार ने कम से कम 14 होना चाहिए और जो मानदेय हमको 11 महीने दिया जाता है वो 12 महीने दिया जाए। अभी जनवरी का मानदेय हमको 5,000 मिला है जबकि छुट्टी गवर्नमेंट ने किया विंटर वेकेशन, ना कि हमने मांगा था। हम लोग 20 साल अपना गुजार चुके हैं यहाँ पे, अब हम लोग की बुढ़ाई आ गई है, बच्चों का शादी ब्याह है, अगर अब भी नहीं देंगे कितने साथी हमारे मर चुके हैं। बस यही अनुरोध है कि यहाँ से हम लोग को सम्मानजनक वेतन दे। इसी आशा से हम लोग इतने धूप में, ये आप देख ही रहे हैं कि कितना तिलमिला रहा है, हम लोग का चेहरा एकदम लाल हो गया है। अब बस यही आशा है, कब से सुबह से ही हम लोग कल से ही चले हैं इंतजार में। 20 साल हो गया, 20 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं लेकिन अब वही 10,000 में बताइए एक मजदूर भी नहीं काम करता है। सरकार से ये अपील है कि हम लोग का भी ध्यान दें जरा सा, बहुत साथी मर चुके हैं। मैं तो तिल तिल मर रही हूँ, मुझे भी बीमारी है लेकिन फिर भी मैं धूप में आई हूँ। बस यही आशा से कि माननीय योगी महाराज और मोदी जी हम लोग का सम्मानजनक वेतन दें, 62 साल की नौकरी दें, 12 महीना हम लोग भी दें, हम लोग को भी खाने को दें, हम लोग बहुत दुखी हैं। ये आवाज आप मीडिया के सहारे उनके पहुंचना चाहिए, आपको देख के ही लगेगा कि मैं किस स्थिति में हूँ फिर भी यहाँ आई हूँ। शासन की मंशा रही, जो भी उनकी नीतियाँ रही, हम लोग हमेशा से नीतियों का शिकार होते चले आ रहे हैं। सन 2001 में पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कुछ जनपद जिसमें प्रयागराज भी शामिल था, शिक्षा मित्र की शुरुआत हुई, उसमें भाजपा सरकार ही गवर्न कर रही थी और उसके तहत हम लोग को रखा गया, इसलिए कि अगर शिक्षा मित्र योजना से स्कूल के बंद पड़े ताले खुलेंगे, जो अपवंचित वर्ग है, अपवंचित मतलब मुख्य धारा से जो हटा हुआ गरीब समुदाय के लोग हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। उसी के क्रम में सरकार को लगा कि शिक्षा मित्र योजना बहुत अच्छी से फलीभूत हो रही है, जो विद्यालय बंद पड़े थे उनके ताले खुलने शुरू हुए, समय से विद्यालय खुलना शुरू हुआ, बच्चों की शिक्षा दीक्षा अच्छी तरह से सुचारू ढंग से चलने लगी। सरकार ने नीति बनाई, सन 2003-04 में योजना बना और हर विद्यालय में 2 शिक्षा मित्र अनिवार्य कर दिया और 2005-07 तक हर विद्यालय में शिक्षा मित्र तैनात हो गए। 2-2 शिक्षा का स्तर बढ़ा, खूब बढ़िया से चल रहा था। असल बात जब योजना की शुरुआत हुई तो 2250 रुपये से शुरुआत हुई और उस समय जो है 4500 से 5000 के बीच में हेडमास्टर का वेतन था, तो कुल मिला के मतलब 4500 था, तो कुल मिला के ये था कि बराबर बराबर का सामंजस्य था 50% का, तो महंगाई भी नहीं थी, लोगों का सामंजस्य बना और सब उस समय जिम्मेदारी से मुक्त थे जितने योजना में लड़के घुसे हुए थे, बच्चे भी नहीं थे, शादियाँ भी नहीं हुई थी, नए नए सब थे,
एकदम फ्रेशर लड़के आए इंटर क्वालीफाई करने के बाद, मेरिट के आधार पर चयन हुआ, तो जो समय टॉप मेरिटोरियस थे उनका चयन हो गया और वो लोग जो है शिक्षा मित्र बन गए। और जब बन गए तो वो लोग तन से मन से लग के पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाना शुरू किया। उसका खामियाजा हुआ कि आज हुआ खुद में पटरी हो गई, व्यवस्था को तो पटरी पर ला दी लेकिन वो पटरी पर नहीं है, उनका परिवार, उनके माता पिता, उनके बीवी बच्चे सब भी पटरी हैं। इस समय शिक्षा मित्र अपनी बदौलत अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, पर प्राइमरी तक पढ़ाएगा ना, हायर एजुकेशन कहाँ दे पा रहा है, क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए उसके पास फंड नहीं उपलब्ध है, बेसिक तक तो वो खुद पढ़ा ले रहा है। जो पिछली सरकार थी वह जो है शिक्षा मित्रों का जो है सहायक अध्यापक जो है के पद पर समायोजित कर दिया था, ठीक ना, बस थोड़ी सी जो है टेक्निकल फॉल्ट के वजह से जो है ये सत्ता में आए, ठीक ना, और उनका जो है निरस्तीकरण कर दिए। ये अभी इस समय भी चाहें तो अध्यादेश ला करके उनको पूरा जो है सहायक अध्यापक के पद पर जो है नियुक्त कर सकते हैं। ये सरकार जो है केवल भरमा रही है, ये कर नहीं रहे, इनके अंदर मानवता नहीं है, क्योंकि जो है लाशों पर जो है राजनीति नहीं किया जाता है। प्रदेश में जो है लाशें जो है केवल डेली जो है हार्ट अटैक से, आर्थिक तंगी से हमारे शिक्षा मित्र जो है मर रहे हैं, ठीक ना। अब मंत्री जी जो है आते हैं, मंत्री जी जो है आज तक एक शब्द नहीं बोले कि शिक्षा मित्रों को जो है कुछ भला होना चाहिए, ठीक ना। शिक्षा मित्र हमेशा जो है आस लगा करके, आज 2017 से जब निरस्त हुआ तब से आस लगा करके जो है बैठा हुआ है कि अब जो है हमारे मंत्री जी जो है कुछ न कुछ कर देंगे, हमारी अब जो है कुछ कर देंगे, लेकिन